गलसुआ, मम्स या पेरोटाइडाइटिस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन बड़ी एज के लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम के अंतर्गत जो गाल है, यहाँ पर इस जगह पे जो है आपको सूजन होती है, यहाँ पर आपको दर्द होता है, दर्द बहुत तीव्र होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुंह खोलने में आपको परेशानी होती है, कई बार जो ये दर्द है ये कान तक स्प्रेड होता है और कान में भी आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, और साथ में कई बार ये हेडेक के साथ में भी आपको होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसको पेरोटाइडाइटिस, गलसुआ या मम्स बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे इसके कुछ होम्योपैथी मेडिसिंस के बारे में, और साथ में मैं आपके साथ में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पेरोटाइडाइटिस है, ये एक पैरोटिड ग्लैंड जो हमारे यहाँ पर होती है फेस पे, दोनों तरफ एक एक पैरोटिड ग्लैंड होती है, जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये मम्स वायरस के कारण होता है। ये जो वायरस है ये एक रूबेला फैमिली का ही वायरस होता है। तो इस वायरस का जब भी इन्फेक्शन होता है तो प्राइमरीली ये जो ग्लैंड है इसमें सूजन आ जाती है, और जो अदर सिम्टम्स हैं उसमें आपको दर्द होता है, आपको खाना खाने में प्रॉब्लम होती है, आपको फीवर और साथ में लैक ऑफ एपेटाइट भी होता है, कई बार जो पेन है वो ईयर में भी होता है, और साथ में आपको हेडेक भी होता है, साथ में आपको थकावट हो सकती है, गाल में जो है बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, और जिस पर छूने में आपको दर्द होता है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है ये पेरोटाइडाइटिस के अंदर पाई जाती है। कुछ लोगों को साथ में कई बार हाथ पैरों में दर्द की तकलीफ भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो वायरस है ये कंटाजियस वायरस होता है, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जब भी इससे ग्रस्त व्यक्ति जो है वो छींकता है या खांसता है या उसकी सलाइवा किसी तरीके से आपके फूड के संपर्क में आ जाती है, तो उस समय पे ये आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम देखें कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अगर इसे सही समय पे ठीक नहीं किया जाता है तो ये आगे जाके ऑर्काइटिस हो सकता है। ऑर्काइटिस यानी कि टेस्टिस का इन्फ्लामेशन, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनमें ओवराइटिस हो सकता है, यानी कि उनको ओवरीज का इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो इसलिए इसको सही समय पर ठीक करना ज़रूरी है और इसके सप्रेशन से हमें बचना चाहिए। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो ये 2 से लेके जो 12 साल के बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इससे बड़े लोगों में भी ये इसके केसेस देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें होम्योपैथी मेडिसिंस की, तो होम्योपैथी में कुछ ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिंस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। तो जैसे कि एरमट्रिफ है, ब्रोमियम है, वेराइटाकार्ब है, बेलाडोना है, नाइट्रिक एसिड है, मर्क्सोल है, इसके अलावा रस्टॉक, साइलेशिया, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इस केसेस में यूज़ होती हैं। हमें बाकी सिम्टम्स देखने के बाद कोई एक मेडिसिन सिलेक्ट करनी है। स्पेशली जब अगर राइट साइड में प्रॉब्लम होती है तो बेलाडोना और बेराइटाकार्ब का काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहता है, और अगर ये प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में होती है तो ब्रोमियम, रस्टॉक्स, लैक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कुछ मेडिसिन हैं जिनका काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि मम्स के होने का क्या कारण है, मम्स के क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और इसकी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं लास्ट में अपना एक केस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये केस है, एक 35 साल की एक लेडी है जिनको एक गाल पे राइट साइड में पूरी तरह से स्वेलिंग थी, और उनको दर्द इतना ज़्यादा था कि वो बिल्कुल मुझे टच करने भी नहीं दे रही थी, इतना ज़्यादा उनको दर्द था, उनको बोलने में तकलीफ हो रही थी, कुछ भी खाना निगलने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। इसके साथ साथ उनको कान में भी दर्द था, और जब पूछा मैंने कि ये कैसे शुरू हुआ, तो स्टार्टिंग में 1 डे उनको फीवर था, और उसके बाद अगले दिन से उनको ये स्वेलिंग थी, और ये स्वेलिंग अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फ्रेंड्स, उनके सारे सिम्टम्स देखने के बाद मैंने उनको बेराइटाकार्ब की एक डोज दी, और बेलाडोना मेडिसिन मैंने उनको फ्रीक्वेंट रिपीटेशन के लिए दी। तो मैंने देखा कि शाम तक जो है उनका दर्द जो था वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, और जो स्वेलिंग थी, स्वेलिंग भी उनकी 2 से 3 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक हो गई थी, और विद इन 5 डेज उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। 5 दिन के अंदर वो पूरी तरह से ठीक थी, वो अच्छे से खाना खा पा रही थी, और जो दर्द था वो तो पहले दिन ही बिल्कुल ठीक हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये एक मम्स का केस है जिसमें पेशेंट को पहले दिन ही दर्द से पूरी तरह से राहत मिल जाती है, और 4 से 5 दिन के अंतर जो है उनकी पूरी की पूरी जो मम्स की इन्फ्लामेशन थी वो पूरी तरह से क्योर हो जाती है। तो अगर आपको या आपके आसपास किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।